नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं आईटी हिंदुस्तान। आज के जनसदन का मुद्दा है महाराष्ट्र में बीजेपी का सरेंडर और शिवसेना के सरताज, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। विशाल वर्मा जी संघ विचारक हैं। विशाल वर्मा जी, आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। पुरुषोत्तम भट्ट जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पद के, पुरुषोत्तम भट्ट जी आईटी हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया जी राजनीतिक विशेषज्ञ है, उमा जी आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। इंद्रेश कोहली जी वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इंद्रेश जी आईटी हिंदुस्तान आपका स्वागत है। योगेश उनियाल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, योगेश जी आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, 105 सीट बीजेपी लेके आई है, हालांकि बीजेपी का स्पष्ट तौर पे ये कहना है चंद्रकांत पाटिल जो वहां पे बीजेपी के अध्यक्ष हैं कि शिवसेना के बिना हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इस कारण से वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने न्योता दिया है, आज शाम 7:30 बजे तक का टाइम शिवसेना को दिया है कि अगर आप सरकार बना सकते हैं तो 7:30 बजे तक उनको इन्फॉर्म करें। हालांकि वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि एनसीपी जो है शरद पवार को मनाने की, लेकिन उनकी कंडीशन यह है कि आपको अपना नाता एनडीए से तोड़ना पड़ेगा। हालांकि अभी सब के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है कि उनको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे पहले विशाल वर्मा जी आपके पास आते हैं। विशाल वर्मा जी, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र का घटनाक्रम आप देख रहे हैं, 105 सीट होने के बाद, सबसे ज्यादा संख्या होने के बाद बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो आपकी पाठशाला में कहां कमी रह गई थी कि जो शिवसेना और बीजेपी को अलग होना पड़ रहा है? विशाल वर्मा जी, काला जी आपको देखना पड़ेगा इस महाराष्ट्र के चुनाव को पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ले जाना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब गठबंधन पर चर्चा हुई थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, उसी दिवस से इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गई। दूसरा सामना मुखपत्र में जो जो लिखा गया वह उन्होंने परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उन्होंने कोई ना कोई टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार पर करी। लोकसभा का चुनाव चलो किसी वजह से गठबंधन होकर इनका गायब निमट गया, परंतु लोकसभा चुनाव के बाद ही जब विधानसभा के चुनाव की तरफ गठबंधन जा रहा था, उसी वक्त शिवसेना ने राग अपनाना शुरू कर दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों से बैठकें की, कई दौरों का मंथन चला, परंतु इस फॉर्मूले पे जैसा शिवसेना कह रही है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और 50-50% की हिस्सेदारी होगी, उस बात पे पेच अड़ा रहा। विगत 24 तारीख को जब मतगणना थी उस दिन भी मैंने कहा था कि शिवसेना जब लग रहा था कि गठबंधन को बहुमत मिल गया है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभी भी सरकार का बनना मुश्किल है, और 27 तारीख की भी डिबेट में टीवी चैनल पे कहा था कि अब शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस दौर में समाप्ति की ओर चली गई है, क्योंकि शिवसेना ने बहुत पहले मन बना लिया था कि अब हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। जो आज गवाह चल रही है उसमें अरविंद सावंत जी ने आज ही सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं वो, और शिवसेना ने एनडीए गठबंधन छोड़ने की घोषणा कर दी है आधिकारिक रूप से, और एनसीपी के साथ उन्होंने अपनी अंतिम दौर की वार्ता परसों समाप्त कर ली है। सूत्रों के द्वारा ये खबर हमारे पास है कि परसों ही एनसीपी के साथ उन्होंने अपनी वार्ता समाप्त कर ली थी, और सोनिया गांधी शरद पवार को इस मामले में सरकार बनाने में ना बनाने में हरी झंडी दे चुकी हैं कि जो निर्णय करे शरद पवार करें। बिल्कुल पुरुषोत्तम भट्ट जी आपके पास आना चाहिए। पुरुषोत्तम भट्ट जी, हालांकि 2014 की अगर हम बात करते हैं तो शरद पवार ने बीजेपी की नैया पार लगा दी थी, लेकिन ईडी जांच के चलते वे इस बार बीजेपी के लिए उन्होंने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं शिवसेना या बीजेपी के जो पूर्व में गठबंधन हुए हैं, इस बार अलग अलग रहा वो चल रहे हैं, पुरुषोत्तम भट्ट जी ये लगता नहीं कि ये जितने भी विचारधारा होती है ये केवल सरकार में मुख्यमंत्री बनने को लेकर है, या वाकई में ये विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं? पुरुषोत्तम भट्ट जी, राकेश काला जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने शिवसेना और बीजेपी को दोनों को, क्योंकि इनका जॉइंट वो था चुनाव में, इस तरह से वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार जिस तरह से शिखर पे चढ़ रही थी और हर राज्य हर स्टेट में इनकी सरकार पड़ी थी और भारी बहुमत से पड़ रही थी, उत्तराखंड जैसे जहाँ ये प्रचंड बहुमत से जीते थे जिसकी उम्मीद नहीं थी, इनका प्रचंड बहुमत कहीं ना कहीं जो शिखर में इनका, क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी पार्टनर्स थे उनके साथ कभी इन्होंने न्याय नहीं किया, चाहे आप नीतीश बिहार में नीतीश कुमार के साथ आप देख ले, इन्होंने मायावती बीजेपी में भी वही सब किया जो कांग्रेस अक्सर किया करती थी, लेकिन दुर्भाग्य इस वक्त ये है कि शिवसेना भी
मतलब एक तरह से शिवसेना हो या शरद पवार जी हो या कांग्रेस है, ये लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं किसी तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आने के लिए, क्योंकि ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके हालात आपको पता ही है। शरद पवार जो अपने आप में बहुत पावरफुल हुआ करते थे एक टाइम पे, उनके भी हालात इस वक्त जो है वो महाराष्ट्र तक सिमट कर रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ये है कि ये लोग सब मिलके कहते हैं अवसरवादिता वाली राजनीति है जो कांग्रेस ने भी करी है और भारतीय जनता पार्टी ने करी है, और वही राजनीति अब करते हैं शिवसेना भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और एनसीपी भी कर रही है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ अवसरवादिता वाली राजनीति में से कहूंगा, समाज और देश के हित के लिए अगर ये करते तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल उमा जी आपके पास आना चाहेंगे। उमा जी हम बात करते हैं शिवसेना की, 56+9 9 अन्य सीट उनके पास है, जो छोटे दल हैं या निर्दलीय जो जीत के आए हैं उनका समर्थन उनको है, हालांकि कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन भी उनको मिल गया है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है उमा जी कि क्या ये इनका गठबंधन या इनका जो आपसी तालमेल है कितने दिन चल पाएगा, या ये केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि पहले विचारधारा शिवसेना और बीजेपी की एक हुआ करती थी, लेकिन जहां मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं। हालांकि प्रश्न विशाल जी से हमने किया था कि पाठशाला में कहां कमी रह गई, आपने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत बारीकी से आपने देखा है, क्या आपको लगता है गठबंधन आगे चल पाएगा? देखिए अगर हम गठबंधन की राजनीति की बात करें तो जैसा कि पुरुषोत्तम जी ने कहा, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग चुनाव से पहले गठबंधन करते हैं और चुनाव के बाद हम लोग अपना जो पर्सनल जो फेवर होता है कि हमें कहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, हम उस फेवर को देखते हुए गठबंधन को तोड़ने में हम कोई ज्यादा देरी नहीं करते हैं। शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है बहुत पुराना गठबंधन है, काफी पुराना गठबंधन है, काफी हमें लगता था कि शायद ये गठबंधन जो है ये एक भारत की राजनीति का एक अच्छा गठबंधन आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि जैसे बड़े नेता चेंज होते हैं, ठाकरे जी चेंज होते हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास सत्ता आती है, तो कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल नए नेताओं का है वो शायद उतना नहीं बन पाया है। और दूसरी बात जो है कि शिवसेना जो है वो मराठी राजनीति का एक बड़ा हथियार उनके पास मराठी राजनीति के रूप में है, और वहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना किसी भी हालत में अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकती, चाहे उनके 56 विधायक आए हैं, चाहे उनके 60 विधायक आए हैं, चाहे जो भी बहुमत के पास है, इसमें अगर शिवसेना ने किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र से छोड़ा तो आप समझ लीजिए कि शिवसेना की जो जमीन महाराष्ट्र में है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी वहां पर अगर अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, इसलिए इसीलिए शिवसेना इतनी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वहां पर जमकर खड़ी रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया 5 साल के लिए बन जाएगा, उनको उनको समर्थन देना पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो पूरी तरह जोड़ तोड़ कर रहे हैं। वो उनसे एनसीपी से मिल रहे हैं या वो सोनिया जी से मिल रहे हैं, और सोनिया जी की तो मजबूरी है इस समय, उनकी तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि उन्हें किसी भी हालत में एंटी बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट बनाए उनको उसका समर्थन देना ही देना है, इससे कोई वास्ता नहीं है कि जनता ने क्या मैंडेट दिया है, जनता के साथ छल हो रहा है, कई दिन हो गए आप गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं, गवर्नमेंट बन भी गई तो इतना भानुमति का जो कुनबा ये लोग जोड़ रहे हैं, इस भानुमति के कुनबे से क्या निकल कर आएगा, इस मंथन से कौन सी मंत्री निकल कर आएंगे और वो कैसे साथ साथ काम कर पाएंगे, ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहली बात तो यही किसी भी तरह कैसे भी करके उनको एक गवर्नमेंट बनानी है, सेना को अपनी राजनीति जमीन वहां पर मजबूत रखने के लिए उनको गवर्नमेंट बनानी ही है, बाकी बातें तो सिर्फ बात। बिल्कुल इंद्रेश जी आपके पास आना चाहेंगे। इंद्रेश जी आपने अपने कलम से कईयों का भविष्य बनाया है, जिसके पक्ष में आप लिख देते हैं उनकी सरकारें बन जाती हैं। अगर हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हालांकि बीच में स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, जैसा अभी अपने वक्तव्य में उमा जी कह रही थी कि कांग्रेस चाहती है कि किसी भी हालत में वहां पे बीजेपी की सरकार ना बने, ये लगता नहीं कि आपको राजनीति की दिशा में एक नए समीकरण लिख रहे हैं ये लोग? जी रमेश जी, अब जो राजनीति जो बदल रही है जिस तरीके से, जो जिस दिशा में जा रही है, उसमें हम ये मान सकते हैं कि अभी तक जितना समय शिवसेना ने भाजपा के साथ, बहुत कम समय उसके साथ उसका साथ छोड़ने में लगाया, उससे अधिक समय वो जिनके साथ गठबंधन करते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे शिवसेना की गठबंधन हमारा टूटे, चाहे उनके लिए अपनी तरफ से कोई समझौता करना पड़े, कोई और उनकी बात जिस तरह गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ कोई उनकी बात माननी पड़े, वो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि शिवसेना अपने आप को मजबूती के साथ प्रदेश में रखना चाह रही है, जो अभी तक उसके साथ नहीं हुआ, वो केवल गठबंधन ही करती आई और भाजपा ही आगे आती रही, तो शिवसेना के पास इस समय ये बड़ा अच्छा मौका है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहती, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, इसीलिए उसने शिवसेना भाजपा को बड़े भाई कहते कहते साथ छोड़ दिया बिल्कुल कि हम आपके बिना भी सरकार बना लेंगे,
तो अगर कहीं से भी मदद मिलती है, कोई भी गठबंधन होता है, तो शिवसेना बिल्कुल बनाएगी। और उमर जी ने कहा जैसे कि अपनी जमीन तलाश रही है, ये वास्तव में सही है। और एंटी भाजपा इस समय तो सभी दल तैयार बैठे हैं, जिसके साथ भी गठबंधन करना चाहेंगे शिवसेना, जिसको भी साथ देना चाहेगी, वो सभी दौड़ कर तैयार होंगे। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी भी रमेश जी मैं बताऊं कि शिवसेना की ही बन जाती है कि वो गठबंधन को कितना संभाल करके लेके जाती है, क्योंकि वो उसके हित में ही होगा। अगर हमारे पास एक पानी का बॉल है, अगर वो हमारा गिरता है तो हमारा ही नुकसान होगा, अगर हम उसको बचा के ले गए किसी के लिए तो हमारा फायदा। तो ये शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा लाभ होगा, वो उसको इस दृश्य देगी, चाहे वो झंडे से चाहे वो डंडे से, वो अपना गठबंधन आगे बना करके लेके ही जाएगी। बिल्कुल, योगेश सुनियाल जी आपके पास आना चाहेंगे। योगेश सुनियाल जी, शिवसेना समर्थन जो ले रही है वो कांग्रेस और एनसीपी से ले रही है, तो लगता नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी सरकार आएगी उसको अभाव प्रभाव और दबाव में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बहुत बड़ा मैंडेट लेके ये लोग यहाँ आए, यहाँ की सरकार को बहरहाल अभाव प्रभाव और दबाव में काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पे जेजेपी जिस तरीके से 10 सीटें निकाल के लेके आई है, उन्होंने समर्थन हालांकि बीजेपी के लिए किया है, लेकिन एक चौंकाने आश्चर्य वाली बात यह है कि शिवसेना इतिहास में पहली बार एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन ले रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मुख्यमंत्री होगा वो डमी कर रोली बात नजर आए। योगेश सुनियाल जी, देखिए साहब, इसमें मेरे को लगता है शिवसेना को उसके दोनों हाथों में लड्डू है। वो समर्थन हासिल करेंगे सबसे पहले एनसीपी का और कांग्रेस का। अगर कांग्रेस और एनसीपी उन्हें समर्थन दे देती है, सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी, क्योंकि वो एक कट्टर हिंदूवादी माने जाने वाली शिवसेना को समर्थन कर रहे हैं बाहर से या अंदर से, जैसे भी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इनका ये फायदा होगा, इन केस ये लोग अपना समर्थन कभी वापस लेते हैं या दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे छोड़ देंगे और सरकार को बंद हो जाने देंगे, डूब जाने देंगे। इसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा तो इनके पक्ष में और सहानुभूति बनेगी। ये शिवसेना के फायदे की बात हो रही है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, और एक ही मुद्दा उनके पास है। सबसे बड़ी चीज है शक्ति, शक्ति आती है सत्ता से। सत्ता हासिल करने के लिए वो कैसे भी किसी भी तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। इसमें नुकसान हो रहा है बीजेपी को। बीजेपी जो जमीन तलाश रही थी शिवसेना को साइड करके, उसको जो जमीन वहां मिलेगी वो सिर्फ शिवसेना की कीमत पे मिलेगी। एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया है, वो भी एक मराठी पार्टी है, एक तरह से मराठी बहुल्य पार्टी है। और कांग्रेस जो वहां है, वो जो भी जितने भी उनकी सीटें आई हैं, जो खड़े हुए हैं वहां, वो अपने संगठन की वजह से हुए हैं। लेकिन इन दोनों को नुकसान होगा और बीजेपी को भी नुकसान होगा यदि शिवसेना अपनी पार्टी गठन कर, अपनी सरकार गठन कर लेती है और इन लोगों का समर्थन ले लेती है, तो नुकसान शिवसेना का बिल्कुल नहीं होगा। वो बिल्कुल सही चल रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैं मानता हूं कि जो उनके कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ आपके उद्देश्य होते हैं, कुछ आपके आपके अपने जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन प्रिंसिपल्स को आप बहुत जल्दी अगर बदल देंगे तो धीरे धीरे जनता का विश्वास आपसे टूटने लगेगा। इन प्रिंसिपल्स को बीजेपी फॉलो कर रही है, इसीलिए वो अब सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। बिल्कुल, विशाल वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। विशाल वर्मा जी, 105 सीटें लेने के बावजूद सबसे ज्यादा संख्या में वो सीटें निकाल के लाए, और ये शायद बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने में असमर्थता दिखा रही है। वो कह रहे हैं कि हम सरकार शिवसेना के बिना नहीं बना पाएंगे, तो ये बेहतर नहीं होता कि जब ढाई ढाई साल का उनका जो फॉर्मूला चल रहा था, ढाई साल बीजेपी आ जाती, ढाई साल शिवसेना को रहने देते, और इतना पुराना जो गठबंधन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं दरार आ गई, खटास आ गई, और जो एक डोरी थी एक दूसरे को जोड़ने वाली, वो डोरी टूटती नजर आ रही है। विशाल वर्मा जी, देखिए, डोरी टूटती भी नजर नहीं आ रही है, डोरी काला जी टूट चुकी है, और यह है डोरी, दिखाई नहीं दिया था किसी को भी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दिखाई नहीं दिया था। जो पिछले दो माह से उद्धव ठाकरे जी सामना में मुखपत्र में संपादक के तौर पर जो कुछ लिख रहे थे, वह चुनाव के दौरान भी उन्होंने लिखा। ऐसा नहीं कि गठबंधन सिर्फ विधानसभा के चुनाव में उतरा था, शिवसेना कुछ नहीं करती। शिवसेना ने कटाक्ष जारी विधानसभा चुनाव के दौरान भी रखा था, और उन्होंने हर बार एक लाइन की कॉमन होती थी पूरे पत्रक में कि इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, कोई शिवसैनिक ही होगा मुख्यमंत्री। यह उन्होंने अपनी प्रत्येक रैली में कहा है, सामना के मुखपत्र में प्रत्येक दिवस कहा है, सुबह और शाम कहा है। ये बात समझ में नहीं। दूसरी एक और बात, इस गठबंधन के टूटने में
वहां के निवर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ है, जो उन्होंने चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन जो मीडिया में यह बयान दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अगर वह यह कहते कि महायुति का मुख्यमंत्री होगा, महायुति निर्णय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, तो शायद इस गठबंधन में रहने में कहीं ना कहीं कोई एक गैप होता जिसको साध सकते थे। पर आपने उसे इतना ज्यादा खींच दिया उस बात को, और शिवसेना ने उस बात को दिल पे लगा लिया कि ये फडणवीस ने क्या बोल दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। यह शब्द कई बार आपने देखा होगा पौराणिक में चले जाए तो शब्दों के बाद आपके जो बाण चलते हैं तीर से कमान से वो इतने आहत करते हैं, इतने शब्दों के बाण करते हैं, और वह शब्दों के बाणों से शिवसेना आहत हुई है। दूसरी एक और बात कि मैं ये कहता था कि इस यूपी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर सकती थी, परंतु नहीं किया, क्योंकि शिवसेना पिछले 3 वर्ष से यह जोर लगा रही थी कि वह शिवसेना, अगर आप पिछली राजनीति को देखें पिछले वर्षों की, तो शिवसेना वहां बड़े भाई की भूमिका में थी और भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी। पर 6-7 वर्षों से वहां शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आ गई और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो महाराष्ट्र के थे वह भी कह रहे थे कि हम बड़े भाई की भूमिका में है। परंतु आप ये बोलते कि आपने एक लाइन भूल रहे हैं कि आप राजनीति में हैं। राजनीति का अर्थ होता है कि अगर आप राष्ट्रीय दल हैं और आपने किसी राज्य के अंदर अगर किसी वहां के राज्य के दल से गठन किया है अपना, तो आपको उसको वह तवज्जो देनी पड़ेगी, चाहे आप कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो। वह थोड़ा सा गठजोड़ जो बयानबाजी बाकी प्रदेश स्तर के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ करी, वह भी गठबंधन के टूटने का बहुत बड़ा कारण रही। दूसरी एक और बात मैं बता दूं आपको, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान से बचना था तो वह बात करते रहते इस बात को प्रदेश भाजपा पे ना छोड़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री को हटा के अगर शीर्ष नेतृत्व को बात करता तो यह गठबंधन बच सकता था और वह शिवसेना को समझाने के लिए बिल्कुल सक्षम था। परंतु इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही को ना तो शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया ना प्रदेश नेतृत्व ने, और प्रदेश नेतृत्व ने एक बार भी शीर्ष नेतृत्व को यह नहीं कहा कि हम हमारे से शिवसेना से बात नहीं हो पा रही है, इसको आप अपने हाथ में ले। कोई भी नया एक नितिन गडकरी जी आए हैं केंद्रीय नेतृत्व में, परंतु नितिन गडकरी जी को यह भी समझना होगा नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र की राजनीति का एक हिस्सा है। पुरुषोत्तम भट्ट जी आपके पास आना चाहेंगे। पुरुषोत्तम भट्ट जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अपनी सरकार बनाने जा रही है और उधर से अरविंद सावंत की हम बात करें तो केंद्र सरकार से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक बिजनेस दृष्टिकोण से ये राजनीति चल रही है कि भाई अगर आप हमें समर्थन नहीं देंगे तो हम आपके मंत्री को हटा देंगे, ये सौदेबाजी कहां तक आपको उचित लगती है पुरुषोत्तम भट्ट जी? ये तो पिछले 70 साल से राजनीति में यही देखा जा रहा है। देश की ले जो कार्य करें, महाराष्ट्र अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो शिवसेना के पास एक मौका आ चुका है, वो साम नाम दंड भेद चाहे किसी रूप में, चाहे ये तो किया भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया था, उनके राज्यपाल ने भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहले मौका दिया था, वो तो पहली बार ऐसा हुआ कि अमित शाह जी फेल हो चुके हैं और खरीद फरोख्त कर नहीं पाया विधायकों की, क्योंकि पार्टियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के छाते के नीचे, और अमित शाह मोदी जी की जोड़ी के आगे इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कहते हैं महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी होगी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर इस बार चूक गए तो आने वाले कई स्टेटों में इसका असर होगा, और क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त ले रही है तो ये रथ को उन्होंने रोका। महाराष्ट्र अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और शिवसेना इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि शिवसेना का अब देखना कुछ दिनों बाद शिवसेना पूरे राष्ट्र की राजनीति में उतरने की कोशिश करेगी, तो ये सब अपनी अवसरवादिता ही से मैं कहूंगा। बिल्कुल उमा जी, महाराष्ट्र के लिए हम बात करते हैं, वहां के राज्यपाल की तो बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं, शिवसेना को वहां पे जो समर्थन दे रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस दे रहे हैं, वहां पे खिचड़ी बनती नजर नहीं आ रही, कहते हैं कि अगर खिचड़ी पतीली में बने तो मरीज का इलाज करती है और खिचड़ी अगर दिमाग पे पके तो वो कहीं ना कहीं कई लोगों को बीमार कर देती है, तो लगता नहीं कि इनका गठबंधन शायद आगे बहुत लंबा चलना पाए। उमा जी देखिए, कालू जी मैंने तो कुछ समय पहले भी अपने वक्तव्य में यही कहा कि बिल्कुल ही भानुमति का कुनबा छोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की है, जिसमें मैं मोदी जी को तो नहीं लेकिन अमित शाह जी को मैं ज्यादा दोष देना चाहूंगी। जैसे कि मेरे भाई विशाल वर्मा जी ने भी एक बात बोली है कि जब उनको पता है कि हमारे राज्य में जो गठबंधन है पुराना गठबंधन है, उस गठबंधन में राज्य के छोटे
नेताओं की वजह से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं स्टेट नेतृत्व को ध्यान रखना चाहिए था। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में मैं इसमें जीरो में 100 में से 0 मार्क्स इसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दूंगी कि आज जो समस्या महाराष्ट्र की जनता के सामने या महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने खड़ी हुई है कि एक गठबंधन हमारी सरकार में बनने जा रही है, तो उसमें बहुत बड़ा दोष बीजेपी के बड़े नेताओं का है कि उन्होंने समय रहते इस प्रॉब्लम को नहीं पहचाना कि शिवसेना किस तरफ जा रही है और वहां के जो छोटे नेता हैं उनके व्यक्तित्वों की वजह से क्या प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो रही है। और रही बात ये कि गठबंधन की जो राजनीति होती है ये तो हमारा देश पिछले 70 साल से देख रहा है, जैसा कि पुरुषोत्तम भट्टी ने भी बोला कि गठबंधन की सरकारें बनती है एक दूसरे को सिर्फ 5 साल तक, जितने भी दिन, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट 5 साल चलेगी। विश्लेषण है वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट मुश्किल से 1 या 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम ये गठबंधन सरकार खींच पाएगी अगर किसी तरह शिवसेना बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने इस गवर्नमेंट को नहीं गिराया तो उनकी राजनीति महाराष्ट्र में लगभग 0 हो जाएगी और शिवसेना वाकई में पूरे देश में इस समय एक बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को देखना चाहेगी। तो बीजेपी की मजबूरी है कि वो अगले 1.5 साल के अंदर इस गवर्नमेंट को किसी भी तरह गिराए, खरीद फरोख्त करें या जैसे भी करें, जो भी करें, गिराना उनकी मजबूरी है। शिवसेना के लिए तो इस समय एक तलवार की धार पे चलने वाला सीन है कि वो कैसे एनसीपी को, कैसे वो कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की भी जो आप पुराना इतिहास कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस भी बहुत ब्लैकमेलिंग वाली पार्टी है। हमने बहुत बार देखा है कि वो बहुत ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, छोटी छोटी बातों पे समर्थन वापसी की वो लोग घोषणा कर देते हैं, तो शिवसेना के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सच में अगर 1-1.5-2 साल के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट किसी भी हालत में गिर जाती है तो शिवसेना का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो मैं ये चाहूंगी कि शिवसेना का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस सब बातों को देखे और एक सही सरकार बना के सही तरीके से चलने की कोशिश करे। इंद्रेश जी, अगर हम बात करते हैं आपकी कलम की, कहते हैं कि जो एक स्तंभकार होता है, वरिष्ठ पत्रकार होता है, वो ना हिंदू के खिलाफ लिखता है ना मुस्लिम के खिलाफ लिखता है, वो हिंदुस्तान की कलम होती है तो हिंदुस्तान के लिए लिखता है। अगर इनके लिए ये कहना क्या उचित होगा शिवसेना और बीजेपी के लिए कि कसूर उनका नहीं हमारा ही था, हमारी चाहत ही इतनी थी कि उनको गुरु आ गया? इंद्रेश जी, नहीं देखिए, इसमें जनता जो होती है ना, जनता बिल्कुल स्पष्ट और भोली होती है, उस जनता का तो इस्तेमाल किया जाता है। क्या पब्लिक को, जो वहां के मतदाताओं को ये मालूम था कि ये ऐसी स्थिति आएगी और ये गठबंधन तोड़ लेंगे? आम आदमी जब वोट डालने जा रहा था, लास्ट में जो बटन दबाने तक वो अपने क्षेत्र की समस्याएं देख रहा था और भाजपा और शिवसेना को देख रहा था। शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी है, उसको देख रहा था, भाजपा तेजी से बढ़ती आ रही थी उसको देख रहा, उसको उम्मीद थी कि भाजपा आ रही है, भाजपा के साथ साथ क्षेत्रीय दल शामिल होते होते बहुत कुछ होगा और हमारे हमारे प्रदेश का विकास होगा। अब वो विकास वाली जो बात है, हम लोग जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हमको जो दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां के लोग क्या सोच रहे होंगे, वहां आम मतदाता के बीच में ये भी आ रहा होगा कि ये इन लोगों की आपस की लड़ाई है, अब ये अपनी सरकार बचाने और गिराने में लगेंगे। हमारी जो समस्याएं आज भी क्षेत्र में खड़ी हुई थी वो वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी इसी वजह से, और होगा भी अधिकतर प्रतिशत ऐसा होगा कि शिवसेना का ध्यान ज्यादातर यही रहेगा कि हमारी सरकार बचे और गठबंधन ना टूटे। पानी की जो हर साल की समस्या आती है महाराष्ट्र में, इतना पानी रहता पूरे देश में हाहाकार मचाता है, सिर्फ महाराष्ट्र में जो वहाँ की जो सीवेज की समस्या आती है बस पूरे बस आती है, उस छोटी सी समस्या आज तक सुलझाई नहीं जा सकती। तो ऐसे ही बड़े बड़े मुद्दे होंगे वो सारा घूम फिर के सिर्फ सरकार के ऊपर बचाने और जोड़ने तोड़ने में ही ये अपना टाइम बिताएंगे। अब यही अगर समय दिया जाता जैसे ठाकरे साहब के निधन के बाद जो बड़ों का लिहाज होता है घरों में वो खत्म हो गया, हालांकि वो भी आक्रामक है लेकिन फिर भी कुछ लिहाज होता रहा है। ऐसे जो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का, इनको वो भूमिका निभानी चाहिए थी आगे आकर के छोटे मोटे झगड़ों को, छोटी मोटी जो मन में गलत फहमियां थी उनको दूर करते हुए, किसी को छोटा किसी को बड़ा कुछ बांट दिया जाता तो ये गठबंधन पूरी तरह से तैयार हो जाता। अब इसमें जनता बीच में पिसेगी और कुछ नहीं होगा। जो समस्याएं अभी थी जिनके मुद्दे बना करके चुनाव लड़ा गया वो जस की तस वैसी ही रहेंगी, फिर वो विधायक टूटेंगे, वो उसी तरफ आकर्षित होगा, कौन अपना समर्थन वापस लेना चाहेगा, पूरा फोकस गवर्नमेंट का उसी तरफ रहेगा। भाजपा इस चीज को जानती थी अच्छी तरह से, इसीलिए वो चुपचाप से किनारे अपने आप को उन्होंने कर लिया। अब फडणवीस साहब ने अगर अपने आप को मुख्यमंत्री बनने की बात कही तो वो जैसा उनको पुश किया गया, शीर्ष नेतृत्व उनको लगातार कह रहा है, उनको ही हो सकता था, तो उनकी भी एक तरह से मजबूरी थी या एक कहीं पर जब आप बात कर रहे होते हैं आवेश में आ जाते हैं, कुछ दिखाई देता है अपनापन सा या कुछ माहौल बनता है तो जो बातें कई बार नहीं कहनी होती हैं वो भी कह दी जाती हैं, तो उसको हम
ये नहीं कह सकते कि उससे कोई नुकसान होने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के गुरूर तो आया, लेकिन जो शिवसेना को जो था, शिवसेना को ये दिख रहा है कि हमारी जमीन खत्म हो सकती है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से बढ़ रही है वो उस महाराष्ट्र में भी पूरा कब्जा भाजपा का ही हो जाता है। धीरे धीरे शिवसेना की बस मजबूरी होती है, लेकिन क्षेत्रीय तहत भाजपा शिवसेना को दिखाई देगा कि आने वाले 5 साल बाद हम उतने मजबूत नहीं रहेंगे जितने मजबूत अभी हम हो चुके हैं, इसीलिए वो अड़ गए और उन्होंने विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन करना स्वीकार कर लिया, जिनके की वोट मांगने के समय उनके खिलाफ वो नारे लगा लगा करके अपने मतदाताओं से वोट मांगे और आज उनके साथ ही गठबंधन करने को तैयार हो गया। अब गठबंधन वो कितना टाइम चलता है, कहाँ पर उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, कि वो किस मुद्दे को लेकर के वो चाहते हैं, वो भी चाहेंगे कि या तो हम अगर दूरदर्शिता के साथ सोचेंगे तो वो अपने आप को स्थापित करने में शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वही अगर जरा जरा छोटी छोटी सी लालच उनको दिखाई देगी तो कुछ ही समय में वो अपना समर्थन वापस लेंगे। योगेश जी, शिवसेना और बीजेपी जिस तरीके से सीटें लाती हैं, 56 सीटें शिवसेना लाती है, 105 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, हालांकि उनका प्री प्लान था कि किस जगह से हमने लड़ना है, किस जगह से बीजेपी या किस जगह से शिवसेना के कैंडिडेट ने लड़ना है, जनता ने खुल के समर्थन दिया। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में खींचातान जिस तरीके से रही, तो लगता नहीं कि वहां की आम जनता ने, जिसने उन दोनों के गठबंधन को देख के वोट दिया, भारी बहुमत के साथ दोनों पार्टी को जिताया, वो जनता महसूस नहीं करी कि हमारे साथ छल हुआ है, छलावा इन लोगों ने किया है एक पद के लिए, मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए, दोनों जिनके आदर्श एक जैसे थे, जिनकी विचारधारा एक जैसी थी, वो एकदम अलग हो गए केवल पद के लिए या कुर्सी के लिए? योगेश जी देखिये, काला जी मुझे लगता है कि जनता के साथ छल तो हुआ है और जनता हमारी इतनी भोली है कि आप ये सोचिए, पंजाब में जब आतंकवाद हो रहा था उस समय वहां के जो भोले भाले किसान थे उनको ये बहकाया गया कि जी ये जो पानी आपके पास आ रहा है भाखड़ा नागर टाइम से, इसमें से बिजली तो इन्होंने पहले निकाल दी, ये तो फोका पानी है, और जनता उस बात में आ गई। तो जनता तो इतनी भोली है, वो इतनी इतनी बातों में आ जाती है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता हो गया है। जब ये दोनों मिलकर साथ में लड़ रहे थे तो इन लोगों ने एक विचारधारा के अंतर्गत लड़ाई लड़ी है, ये इन्होंने बीजेपी की विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा को कंबाइन किया और इसके ऊपर ये लड़े हैं। इसमें जहां जहां इन लोगों को जीत मिली है, इसका मतलब ये है कि वहां एक केंद्रीय विचारधारा लोगों के दिलों में बसी हुई है, उन्होंने बीजेपी को बीजेपी समझ के वोट दिया और शिवसेना को भी बीजेपी समझ के ही वोट दिया। जब बीजेपी ने शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ा था तो उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर आए थे, और अगर ये फिर से अलग ही होकर लड़ते और शिवसेना का समर्थन के साथ कोई गठबंधन करके चुनाव ना लड़ते तो मुझे लगता है इनके इससे ज्यादा सीटें आ जाती, पर हो सकता था तब ये सरकार बनाने लायक ना रहते, लेकिन तब स्थिति दूसरी होती, तब शिवसेना का समर्थन अगर इनको मिलता है, शिवसेना को समर्थन में लेते तो वो एक दूसरी तरह से एग्रीमेंट बनता। अब ये इन्होंने पहले गठबंधन कर लिया तो शिवसेना और बीजेपी दोनों को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो वोट आए हैं जनता ने किसको दिए, वो दोनों इस बात पे कंफ्यूज हैं। लेकिन हम मानते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के कदमों को खिसकाकर ही आगे बढ़ी है, शिवसेना जितने कदम पीछे हटी है बीजेपी ने उन कदमों को घेर लिया, उन जगहों को घेर लिया जहां जहां उसने समर्थन जुटाया, ये सब शिवसेना के वोट थे जो कट के इनके पास आ गए और आगे भी यही होगा। अब शिवसेना ये चाहती है कि हमारे वोट ना कटें और जनता जो है वो भी इस बात में अब कंफ्यूज है कि भाई हम क्या करें, शिवसेना की तरफ जाएं, बीजेपी की तरफ जाएं, और एक मराठी मानुस वाली जो मानसिकता है वो वहां पनप रही है। ये शरद पवार जी की जो एनसीपी है उसने उसी को बुनाया है, वो उसी पे खड़ी है। कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी थी, उसके जो डेडिकेटेड वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, जो एंटी बीजेपी या एंटी शिवसेना थे उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो विशाल वर्मा जी, कहां पे कमी रह गई है शिवसेना और बीजेपी के तालमेल बैठाने में, क्योंकि आप लोगों के शीर्ष नेता ने वहां प्रयास नहीं किया, हालांकि बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने बहुत आसानी से निपटा दिए, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, क्या कमी रह गई या वहां के दिग्गज जो आपकी पार्टी के हैं या जिनको आप सपोर्ट करते हैं वो निकल के क्यों नहीं आए? आप वक्ते हुए सुने पुरुषोत्तम भट्ट जी का, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आपकी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि आप लोगों को खरीद फरोख्त का समय नहीं मिल पाया,
विशाल वर्मा जी, नहीं नहीं इसमें खरीद फरोख्त कोई ऐसी जगह ही नहीं है। दूसरी एक और बात है कि अगर आप हरियाणा की बात करें, सुन चौटाला की पार्टी की, आप मुझे बता दो ना कि हरियाणा के अंदर अगर जेजेपी खट्टर से खट्टर साहब का समर्थन ना करती, 40 विधायकों का समर्थन ना करती, तो किसके साथ खड़ी होती? हुड्डा जी के साथ, जिनके पास बहुमत नहीं है। वह दोनों के दोनों ग्रुप मिलकर भी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरी एक और बात, जो निर्दलीय जीते हैं वह कभी कांग्रेस का कांग्रेसी सरकार का समर्थन नहीं करते। ये पेश था जेजेपी की मजबूत, जेजेपी को सत्ता का, ये जेजेपी का गठन ही वहां पे सत्ता के लालच में हुआ था कि वह किसी के साथ भी जा सकती थी, वह भाजपा के साथ भी जा सकती थी, वह कांग्रेस के साथ भी जा सकती थी। अगर यही सीटें 40 अगर कांग्रेस को वहां मिलती तो जेजेपी कांग्रेस के साथ चली जाती, परंतु क्या हुआ, कांग्रेस की सीटें 40 से नीचे रह गई, भाजपा की सीटें 40 के लगभग पहुंच गई। तो जेजेपी की मजबूरी होगी जो सत्ता के लगातार चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जी महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हरियाणा का चुनाव केवल एक प्रश्न आपको दिया था कि पुरुषोत्तम भट्टजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बीजेपी वहां पे संभावना नहीं है। और दूसरी एक और बात बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के अंदर ना कांग्रेस ना भाजपा, अगर 16 पार्टियों के रूप में अगर कोई स्थापित है तो वहाँ 2 पार्टियां स्थापित है, एनसीपी है और शिवसेना। अगर खरीद फरोख्त की बात नहीं है तो सारे विधायक जयपुर के होटल में आप लोगों ने क्यों बैठा रखे हैं, इस बात का जवाब नहीं। हमने कोई विधायक जयपुर में नहीं बैठा, सारे विधायक क्या पिकनिक के लिए जयपुर चले गए हैं? हमने किसी विधायक, हमारा कोई भी विधायक वहाँ जयपुर में नहीं है, हमारे सारे विधायक महाराष्ट्र में, सारे विधायक जयपुर, उमा जी भूल रही है, हमारे 105 विधायक पुरुषोत्तम भट्टजी, आपने पुरुषोत्तम भट्टजी आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया विशाल वर्मा जी के ऊपर। एक प्रश्न पहले दे देते हैं, उमा जी एक प्रश्न दे देते हैं पुरुषोत्तम भट्टजी को कि खरीद फरोख्त के लिए समय नहीं मिल पाया, शायद दोनों पार्टी मन की बात नहीं सुन पाई या तालमेल नहीं बैठा पाई। पुरुषोत्तम भट्टजी ये तो वही बात, काला जी मैं विशाल वर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग समाज सेवा के लिए या देश सेवा के लिए आते हैं राजनीति में या कहते हैं सत्ता के लिए? क्योंकि सत्ता संघर्ष किसी भी स्टेट में जब जब कहीं पे भी पेश बसता है तो आप देखिए ना, कोई भी विधायक है या कोई भी पार्टी है, आइडियोलॉजी जाती है, उनका एक विजन होता है, उस विजन पे काम करता है। तो आप अपने विधायकों को खुला छोड़ दिया ना जनता के बीच में, क्यों आप होटलों में उनको बिल्कुल क्या राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो गैर सामाजिक लोग क्या राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे? उमा जी देखिए, विशाल वर्मा जी सबसे पहले जैसे आप कह रहे हैं कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कि आपके विधायक जयपुर में नहीं है, मैं तो आपको अगली बार इनवाइट करने चाहूंगी कि आप अगली बार विधायकों को उत्तराखंड के किसी होटल में भेजिएगा, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्ट यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। जयपुर तो फिर भी गर्मी की जगह है, यहाँ बहुत अच्छा वेदर है। उमा जी कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी का जयपुर में नहीं है,
मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान अखबार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक जयपुर में नहीं है। आपको गलत खबर है, आप ये डिबेट खत्म होने दीजिए। कांग्रेस के विधायक जयपुर में है, कांग्रेस के विधायक जयपुर में है, आपके विधायक जयपुर में, हमारे कोई विधायक जयपुर में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस पे बहस पे नहीं आऊंगी। मैं काला जी आपकी बात का जवाब देना मैं चाहूंगी। जब राजनीति स्टार्ट हुई थी तो राजनीति में वो लोग आते थे जो समाज में अग्रणी सेवा सेवक होते थे, जो समाज सेवा में सबसे आगे होते थे। लोग उन्हें कहते थे कि जब हमारे राजतंत्र हमारे खत्म हुआ तो जो लोग सेवक लोग थे तो लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको वोट देंगे, आप हमारे एक अच्छे पद पर पहुंचे ना, आप हमारे लिए काम कीजिए। तो अगर हम शुरू में देखें, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, या कोई भी, मतलब जो शुरू में जो हमारे देश में जो सरकारें बनी वो समाज सेवक लोग हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति का अक्षय होता चला गया, राजनीति का अपराधीकरण होता चला गया, बाहुबलियों को टिकट दिए जाने लगे, और जो सच्चे समाज सेवक थे वो धीरे धीरे हाशिए पर आकर इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से लगभग लगभग बाहर हो गए। आज राजनेता के ऊपर जो लोगों से कहा जाता है, अरे वो तो नेता आदमी है, नेता आदमी मतलब वो बाहुबली है, वो किसी की सुनेगा नहीं, उसके ऊपर हमारे देश का कोई कानून लागू नहीं होगा, वो किसी भी तरह से मतलब अगर आप देखा जाए तो नेता मतलब एक असामाजिक तत्व। तो इस समय हमारे देश की राजनीति का जो अक्षय हो चुका है वो बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और मैं दोबारा मार्टिन लूथर किंग का वो वक्तव्य दोहराना चाहूंगी कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो बुरे लोग उन पर राज करेंगे। तो मैं बिल्कुल इस आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, समाज सेवकों को आना चाहिए, तभी हमारी राजनीति में कुछ अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज जो इस समय जो चल रहा है कि राजनीति सिर्फ पेशा बन के रह चुकी है, राजनीति सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का साधन बन के रह चुकी है कि हमने चुनाव में 2 करोड़ रुपए लगाए तो हम कम से कम 50 करोड़ रुपए 5 साल के बाद निकल के बाहर लेकर आएंगे, तो राजनीति इसी तरह से रह जाएगी। लोगों ने इसको अपना पेशा बना लिया है, समाज सेवा यहाँ पर मतलब अब है ही नहीं, गिनती में ही नहीं है। ये एक कटु सत्य है जो मैं आप लोगों को वरिष्ठ स्तंभकार किसी बात को लिखता है, जिस तरीके से अपने वक्तव्य में उमा जी ने कहा कि हिंदुस्तान पेपर में ये लिखा हुआ था कि बीजेपी के जितने विधायक हैं वो जयपुर के 5-स्टार होटल में हैं, या वो क्योंकि देखिए कोई भी स्तंभकार जब किसी न्यूज को लिखता है तो कहीं ना कहीं उसके एविडेंस उसके प्रूफ लेके लिखता है। आप इसको कहां तक सच मानते हैं इंद्रेश जी? देखिए बड़ा अखबार है छोटा अखबार है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अखबार में लिखा गया है चैनल में दिखाया जा रहा है तो वो आज के समय में विद प्रूफ ही होता है। तो सच में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसके बाद वहां पर वो लिखा गया होगा, वो ऐसा नहीं कि मनमर्जी से लिख दिया गया होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी ने लिख भी दिया गया होगा तो अखबारों में बहुत चेक होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो झूठी गाली लिख दी गई होगी। वो कुछ ना कुछ ऐसी घटना वहां पर जरूर हुई होगी कि इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद वो कवरेज करके अखबार में वो लाया गया। तो ऐसी ही खबरें आजकल जो जो चल रही है वो सामने लाने के लिए पूरी टीम उनकी तैयार हुई होगी, उसके बाद मौके पर जाके देखा गया होगा, जानकारी ली गई होगी और तब उसको एक खबर के रूप में प्रस्तुत किया गया होगा। अब वो ये बात हो जाती है कि इस पर विश्वास ना करें, विश्वास इसलिए ना करने की बात आती है कि वो सभी अखबारों में सभी चैनलों में नहीं आ पाया होगा, वो किसी एक को पता चला, एक रिपोर्टर को मालूम चला, एक खबर में भी इसको मालूम चला, उसने एक्सक्लूसिव दिखा दिया उसको या उसको प्रस्तुत कर दिया अखबार में, तो इस वजह से वो ऐसा मैसेज गया कि वो सिर्फ मात्र एक अखबार में है, अगर वो सब जगह है तो वो उसकी जो शिवसेना को समर्थन देते हैं। हालांकि एनसीपी ने पहले क्लियर कर दिया है कि आपको एनडीए से और संघ से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा, हालांकि उसके लिए शिवसेना को नुकसान भी उठाना पड़ा, अरविंद सावंत का इस्तीफा देना पड़ा अरविंद सावंत को केंद्र सरकार से, कहीं ना कहीं शिवसेना को वहां भी थोड़ा झटका लगा है। लगता नहीं आपको कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीट लाने के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां अपनी रणनीति बनाने में सफल रही होगी? देखिए मैं ये मानता हूं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है इसके दो बहुत मजबूत धुरियां हैं, एक तो शरद पवार जी हैं और एक उस समय बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, इनके बाद अब उनके जो पुत्र के पास कमान आ गई है तो कहीं ना कहीं वो अपने को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। जबकि एक परिपक्वता जो शरद पवार जी के अंदर है, जिन्होंने पहले एनसीपी को खड़ा किया और उसके बाद अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई क्या ये किसको समर्थन दे या ना दे, सोनिया गांधी जी ने उनके ऊपर डाल दिया है। वो बहुत सही डिसीजन लेंगे वक्त आने पे और
शिवसेना को समर्थन किन शर्तों पे देंगे ये वो आपस में तय करेंगे, लेकिन वक्त जब भी वक्त आएगा किसी भी मुद्दे पे वो समर्थन अगर विड्रॉ करते हैं या समर्थन खींचते हैं या इस बात का प्रेशर बनाते हैं तो शिवसेना को कोई ग्राउंड गेन करने नहीं देंगे, उन्हें कदम आगे नहीं बढ़ाने देंगे, वो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है जो महाराष्ट्र में हुआ है, एक बैलेंस सरकार जो होती है वो वही होती है जो निरंकुश ना हो जाए। अगर एक ही पार्टी पूरी तरह से कब सत्ता पे काबिज हो जाती है तो उसे क्वेश्चन करने वाला कोई होता नहीं, और जो होते हैं वो इतने कम होते हैं और उनकी संख्या इतनी कम नगण्य होती है कि रूलिंग पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कल मेजोरिटी आ जाए पूरे महाराष्ट्र में एक ही पार्टी की, वो अपनी मनमर्जी से चलेगी, वो किसी की नहीं सुनेगी। आप अगर बीजेपी की भी किसी भी सारे राज्यों में अगर आप बीजेपी की सरकार ले लेंगे तो ये एक निरंकुश शासन बन जाएगा, चाहे आप चाहें ना चाहें, एक सेंट्रल पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है। आपने देख लिया है नोटबंदी करके क्या हुआ था, नोटबंदी की थी मोदी जी ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने किया, जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने। अब आप अकेला जो राजा है वो तो पूरी की पूरी सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने योगेश जी। एक छोटा सा प्रश्न विशाल वर्मा जी, इसमें समय की बात है आपसे ले लेते हैं। विशाल वर्मा जी, आईना जो होता है बिल्कुल वो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाता है, चाहे रंग की बात करें चाहे अक्षरों की बात करें। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना परिवार के पुरुषोत्तम भट्ट जी की, उमा जी की, इंद्रेश जी ने, तीनों ने यही कहा है, क्योंकि इंद्रेश जी भी वरिष्ठ स्तंभकार हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर किसी ने कहा है कि आपके विधायक जयपुर के अंदर है तो उसमें कुछ ना कुछ उनके अंदर सत्यता होगी, प्रमाण उन्होंने अपने पास रखे हुए होंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके विधायक कहां नहीं गए? नहीं, मैं बता दूं, सत्यता ये है कि कांग्रेस के 44 विधायक जयपुर में है। अशोक गहलोत जी उनकी अवभगत कर रहे हैं आजकल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल जी उनकी अवभगत कर रहे हैं, आपके जितने भी महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो सारे के सारे उनसे मंथन कर चुके हैं। और दूसरी एक और बात जानकारी आपको बताऊं, पहली बार ऐसी पार्टी की एक विधायक दल की बैठक हुई जो उस राज्य में ना हो गए अन्यत्र राज्य में हुई है, जयपुर में उनकी आज ही विधायक दल पर कल विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें अशोक चौहान जी को विधायक दल का नेता चुना गया है, वो जयपुर में हुई है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र शाखा के जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे महाराष्ट्र में ही मौजूद थे, और आज सुबह ही मुख्यमंत्री आवास में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ उनकी एक बैठक हुई है। यह सत्य है और प्रमाणित है। शायद उमा जी को और इंद्रेश जी को थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है, विधायक है जयपुर में और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, कांग्रेस के विधायक। आपको ये जानकारी नहीं है कि आपका इतना पुराना गठबंधन महाराष्ट्र में टूटने जा रहा है, आपकी जमीन वहां से हटने जा रही है, शिवसेना वहां पे, आप मतलब अब इस मामले में आप अपने शीर्ष नेतृत्व को कितने नंबर लेना चाहेंगे कि वो नहीं। उमा जी देखिए, मैं इस बारे में समय की बात है, समय की बात है। विशाल जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, उमा जी, इंद्रेश जी, योगेश जी, आपने आईटी हिंदुस्तान को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, 105 सीट बीजेपी लेके जाती है, 56 सीटें शिवसेना लेके जाती है, 9 सीटें छोटे दल और निर्दलीय लेके आते हैं, लेकिन एक पुराना गठबंधन जो शिवसेना और बीजेपी का रहा है वो टूटने की कगार पे है। कहीं ना कहीं विचारधारा अलग हो गई है, जिस जनता ने उनको दिल खोल के वोट दिए थे कहीं ना कहीं वो अपने को ठगा सा महसूस करती है। हालांकि कांग्रेस वहां रणनीति बनाने में कामयाब रही है, सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि शरद पवार वहां पे निर्णय लेंगे कि किस तरीके की कंडीशन उनको मुख्यमंत्री के लिए दी जाए। हालांकि शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए से अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा, इसलिए आईटीवी हिंदुस्तान कहना चाहता है कि सियासत कुछ इस तरह से आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान, नमस्कार। We'll be right back.